हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। लाइफ इज नॉट इजी, देयर इज नो ग्रेट विदाउट स्ट्रगल। हमर इंजरी नॉट टू फॉल, इवन अ स्टोन इज नॉट गॉड। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपना पहला व्यापार सहयोग समझौता पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश हैज रिसेंटली साइंड इट्स फर्स्ट ट्रेड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पीटीए विद विच कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971? ऑप्शन है भारत, भूटान, जापान, जर्मनी। इसका राइट आंसर है भूटान। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच माल की एक सीमा तक शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देगा और इसलिए उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने हाल ही में लेंस दी लैंडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए डेप्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड लेंस दी लैंडिंग सॉल्यूशन? ऑप्शन है यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक। इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में लेंस दी लैंडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉरी एडरसन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे? कॉरी एडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड His retirement from international cricket. He was an all-rounder cricketer of which country? Option A, Australia, West Indies, New Zealand, England. इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉरी एडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि पटवर्धन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे? रवि पटवर्धन वो डेट रिसेंटली वाज द फेमस एक्टर ऑफ विच फिल्म इंडस्ट्री? ऑप्शन है उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी। इसका राइट आंसर है मराठी। मराठी मनोरंजन उद्योग में एक लोकप्रिय चेहरा रवि पटवर्धन का निधन एक बड़े दिल के दौरे से पीड़ित होने के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस देश के अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल
वर्ल्ड सॉयल डे अवार्ड 2020 बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. ऑप्शन है भारत, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड. इसका राइट आंसर है भारत. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले 2020 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? Which country will host the Asia Cup 2021? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया. इसका राइट आंसर है श्रीलंका. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB CEO वसीम खान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्रीलंका जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस भारतीय AMC ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय RE IT फंड लॉन्च किया है? Which Indian AMC has launched India's first international REIT fund of funds? Option है UTI Asset Management Company, Kotak Mahindra Asset Management Company, SBI Mutual Fund, ICICI Prudential AMC. इसका राइट आंसर है कॉटेक महिंद्रा एसेंट मैनेजमेंट कंपनी. कोटेक महिंद्रा एसेंट मैनेजमेंट कंपनी कॉटेक म्यूचुअल फंड ने भारत की पहली डाइवर्सिफाइड REIT म्यूचुअल फंड की कॉटेक इंटरनेशनल REIT फंड लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ष 2020 की शकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता का नाम बताइए. नेम द विनर ऑफ द शकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस ऑफ द ईयर 2020. ऑप्शन है लांस स्ट्रॉक, लुइस हैमिल्टन, एस्टेबन ओकॉन, सर्जियो पेरेज. इसका राइट आंसर है सर्जियो पेरेज. सर्जियो पेरेज को वर्ष 2020 शकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस बैंक द्वारा मोबाइल पेटीएम ऐप ई मोबाइल पे लॉन्च की गई है? Which bank has launched the mobile payment app e-mobile pay? Option है HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, Axis Bank. इसका right answer है ICICI Bank. निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया संस्करण लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया. वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? Recently, Madhukar Gangadhar passed away. He was associated with which of the following fields? Option है खिलाड़ी, संगीतकार, सांसद, लेखक और कहानीकार. इसका right answer है
लेखक और कहानीकार। प्रख्यात हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री गंगाधर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वेस्ट इंडियन स्टार फुटबॉलर हैज डेड रिसेंटली एट द एज ऑफ 64। ऑप्शन है रॉबर्टो बेगियो, फेबियो केनेवारो, पाओलो रोजी, आंद्रे पिलो। इसका राइट आंसर है पाओलो रोजी। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओलो रोजी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबहा ने शेख सबा अल खालिद अल सबहा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? रिसेंटली दी अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबह ऑफ विच कंट्री हैज री अपॉइंटेड शेख सबह अल खालिद एस सबह अस प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन है कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान। इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबह ने शेख सबह अल खालिद अल सबह को प्रधानमंत्री के रूप से फिर से नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय टीम की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? विच विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ द इंडियन टीम एज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। ऑप्शन है पार्थिव पटेल, रिद्धिमान शाह, नयन मोंगनिया, दिनेश कार्तिक। इसका राइट आंसर है पार्थिव पटेल। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया रैंक्स इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ऑप्शन है 10वें स्थान पर, 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 25वें स्थान पर। इसका राइट आंसर है 10वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री हैव कंप्लीटेड वन नेशन वन कार्ड रिफॉर्म स्कीम्स। ऑप्शन है 9, 12, 19, 22। इसका राइट आंसर है 9। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है।
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।